यूरोपियंस इन बिहार। आइए एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान पटना एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया। ये शहर अपने कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री, इंडिगो और साल्ट के लिए मशहूर था। पटना की इस समृद्धि ने कई यूरोपियन देशों जैसे कि पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश और इंग्लिश को आकर्षित किया। इन सभी देशों ने पटना में ट्रेड रिलेशंस स्थापित करने के लिए बिहार में कदम रखा। पटना की व्यापारिक समृद्धि और विकास के कारण ये शहर उन सभी के लिए एक आकर्षक गति स्थल बन गया। ये सब यूरोपियन देश पटना के बाजार और व्यापार में भाग लेना चाहते थे, जिससे कि उन्हें भी यहाँ के उत्पादनों का फायदा मिल सके। इस प्रकार बिहार की व्यापारिक इतिहास में यूरोपियन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बात करते हैं पोर्टुग्यूज इन बिहार। 17वीं सेंचुरी में पोर्टुग्यूज पहले यूरोपियन थे जो बिहार आए थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री हुगली बंगाल में स्थापित की, लेकिन वे अक्सर पटना व्यापार के लिए पानी के रास्ते और सड़कों के जरिए आते थे। पोर्टुग्यूज का मेन व्यापार माल जो बिहार से खरीदा जाता था उसमें कारपेट, एम्बर्टीज, खास और पतले कपड़े शामिल थे। उन्होंने अपने साथ स्पाइसेस और चाइना क्ले भी लाए, जिनका इस्तेमाल वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए व्यापार में करते थे। डच इन बिहार। 1632 में डच कंपनी ने पटना कॉलेज के उत्तर भाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उनका ध्यान मुख्यतः कॉटन टेक्सटाइल, साल्ट पीटर, ओपियम और फूड ग्रेन्स पर था। 1662 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने डच को बिहार, बंगाल और ओडिशा में व्यापार करने के लिए अधिकार दिए। 1665 में एक डच यात्रा टेवर्नियर पटना आया और बाद में छपरा भी गया। इस दौरान फ्रेंच, ब्रिटिश और डच कंपनी के बीच साल्ट पीटर के व्यापार अधिकारों को लेकर विवाद हुआ। नवंबर 1769 में ब्रिटिशों ने बैटल ऑफ बेदरा में डच को हराया। 10 जुलाई 1781 को ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना में डच का गोडाउन कब्जा कर लिया। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छपरा और सिंघिया के डच फैक्ट्री को भी कब्जा किया, लेकिन 1784 में पटना का गोडाउन फिर से डच को वापस कर दिया गया। अब बात करते हैं फ्रेंच इन बिहार। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन फ्रेंसिस्को फ्रेंसकोइस मार्टिन द्वारा हुआ। ये कंपनी डच कंपनी के साथ साल्ट पीटर के लिए संघर्ष में रही। 1734 में फ्रेंच ने पटना में एक व्यापारिक केंद्र और गोडाउन स्थापित किया। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच व्यापार को लेकर तनाव था, जिसके कारण 1757 में ब्रिटिशों ने चंदानगर पर कब्जा कर लिया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय के बिहार के जनरल को पटना से निकाल दिया और फ्रेंच के सभी गोडाउन पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं डेनिश इन बिहार। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अलग अलग संस्थाएं थीं। पहली कंपनी 1616 से 1650 तक चली और दूसरी कंपनी 1670 से 1729 तक। डेनिश एशियंटिक कंपनी का गठन 1730 में हुआ, जिसने इंडिया और बिहार में डेनिश व्यापार को पुनर्जीवित किया। 1774 में उन्होंने नेपाली कोठी में साल्ट पीटर को प्रोसेस करने के लिए एक फैक्ट्री बनाई। 1845 में डेनमार्क ने इंडिया में अपने बचे हुए साम्राज्य को बेच दिया। ब्रिटिशर्स इन बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में पटना के आलमगंज में साल्ट पीटर के व्यापार के लिए एक फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री 1621 में बंद हो गई। 1630 से 1634 तक इंग्लिश ट्रेडर जॉन मार्शल और पीटर मंडी पटना आए, जब शाहजहां का राज था। 1650 में कंपनी ने गुलजार बाग में एक फैक्ट्री स्थापित की। बिहार में साल्ट पीटर का उत्पादन प्रमुख रूप से पटना के आसपास होता था, जहां इसका प्रचुरता थी। ब्रिटिशर्स ने बिहार में किसी भी यूरोपियन शक्ति से ज्यादा मजबूती से अपना प्रभुत्व बना लिया। पटना केलिगो कपड़े के व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। 1680 में बिहार के सूबेदार सहिस्ता खान ने ब्रिटिश कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाया। 1697 में अजीमुसन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद इंग्लिश फैक्ट्री को 1703 में फिर से स्थापित किया गया। 1713 में फर्रुखसियार से राज में पटना की फैक्ट्री बंद कर दी गई, लेकिन 1717
में ब्रिटिशर्स को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए फिर से आमंत्रित किया गया। 1718 में पटना की फैक्ट्री फिर से खुली। 1733 में अली वर्दी खान को बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया गया। 1714 में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को मारकर बंगाल और बिहार पर कंट्रोल हासिल किया। उन्होंने एम्परर मोहम्मद शाह से बड़ा धन देकर इसकी पुष्टि भी कराई। 1750 में पटना फैक्ट्री को नवाब अली वर्दी खान के दबाव की वजह से बंद कर दिया गया। 1767 में सीतब राय को बिहार का नवाब बनाया गया और थॉमस रंबोल्ट पटना में ब्रिटिश फैक्ट्री का चीफ बना। अब बात करते हैं बिहार में कौन कौन से बैटल हुए। सबसे पहला है बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जो अली वर्दी खान की जीत के बाद 1756 में शासन संभाला। जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठा उसकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तकरार शुरू हो गई। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर जो सिराज उद दौला का कमांडर इन चीफ था के साथ मिलकर एक साजिश की। उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में नवाब को हरा दिया। इस जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। 1756 में इंग्लिश ने पटना में कई फैक्ट्री स्थापित की और 1758 में साल्ट पीटर के व्यापार का अकेला अधिकार हासिल किया। 1760 में ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार शिफ्ट कर दी। जल्द ही ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच मेन मतभेद शुरू हो गए। 2 सितंबर 1763 को बैटल ऑफ उड़ावाला में ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हरा दिया। ब्रिटिशर्स ने मारूफ गंज और कोलोनल गंज के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने बिहार और बंगाल में अपना प्रभुत्व और भी मजबूत किया। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहे थे और उनके सामने मुगल मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे और शुजा उद दौला जो कि नवाब ऑफ अहमद के साथ मिला आर्मी थी। इस युद्ध में भारत के लोग हार गए। इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव के साथ 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम सेकेंड के साथ और 16 अगस्त 1765 को शुजा उद दौला के साथ दो अलग अलग ट्रीटीज ऑफ अलाहाबाद साइन किए। इन संविधानों के तहत कंपनी को बंगाल और बिहार के अधिकार दिए गए। ब्रिटिशर्स को बंगाल के प्रदेश और अवध के कुछ हिस्सों से रेवेन्यू कलेक्ट और मैनेज करने का अधिकार मिला। इसका प्रबंधन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के लिए डिप्टी गवर्नर के पद स्थापित किए। रॉबर्ट क्लाइव ने सीताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया। बिहार की सामान्य प्रशासन के लिए एक काउंसिल बनाई गई। 1770 में रेवेन्यू काउंसिल को पटना का गठन किया गया जो बाद में 1781 में रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार के पद से बदल दिया गया। इस तरह ब्रिटिशर्स ने बिहार में अपना प्रभुत्व और भी मजबूत किया। अब बात करते हैं गोलघर की। गोलघर की कहानी 1783 से शुरू होती है जो बिहार में भूकंप फेमाइन आया। वारेन हेस्टिंग जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्होंने पटना में एक बड़े डोम शेप ग्रेनरी बनाने का आदेश दिया। इस ग्रेनरी के डिजाइन जॉन गर्स्टिन ने तैयार किया था। इसका निर्माण 28 जुलाई 1786 को पूरा हुआ और इसका मकसद था भूकंप के समय लोगों को अनाज उपलब्ध कराना। गोलघर आज भी बिहार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट इन बिहार। नोनिया रिवोल्ट का इतिहास 1700 से 1800 के बीच का है। ये रिवोल्ट उन जगहों पर उभर कर आया जहां साल्ट पीटर बनाया जाता था जैसे कि हाजीपुर तिरहट सारण और पूर्णिया। नोनिया कास्ट के लोग इस साल्ट पीटर को उत्पादित करते थे जो मेनली एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कास्ट का शोषित किया जिस वजह से लोगों ने खुद को एक विरोध के रूप में
संगठित किया। अब बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट का प्रबंध 1762 में बंगाल और आज के बांग्लादेश में हुआ और ये 1774 तक चला। इस विरोध को सन्यासी यानी कि हिंदू सेंट और मुस्लिम फकीर ने मिलकर शुरू किया। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता बनाई अपनी खुद की शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए। सन्यासी और फकीर ने ढाका में ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सारण, पूर्णिया और तिरहट के क्षेत्र में बिहार बिहार में इस विरोध के छोटे केंद्र बन गए। अब बात करते हैं तामर रिवोल्ट। तामर रिवोल्ट 1789 में शुरू हुआ जब ओरियन जाति के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस विरोध में मुंडा हो और कोल जैसे अन्य ट्राइबल ग्रुप्स भी शामिल हुए। इस विरोध का मुख्य कारण था ट्राइबल खेती प्रणाली पर लागू की गई प्रतिबंध जो इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भारी असर डाल रही थी। भोला नाथ सहाय ने तामर क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1832 में इस विरोध को दबा दिया और तामर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। अब बात करते हैं चेरो रिवोल्ट। चेरो रिवोल्ट 1800 में शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूरामन को चेरो का राजा बना दिया। चूरामन ने लोगों पर हैवी टैक्स लगाए और किसानों, ट्राइबल लोगों और गरीब गांव वालों का शोषण किया। इस शोषण से लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ा जो इस विरोध का कारण बना। सरदार भूषण सिंह ने इस आंदोलन के का नेतृत्व किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे जल्द ही दबा दिया। हो एंड मुंडा रिवोल्ट। हो और मुंडा ट्राइब्स ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध 1820-22 में शुरू किया और फिर 1831 से लेकर 1837 तक चला। ये विरोध फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1865 के खिलाफ था, जिसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी जंगली जमीन को सरकारी जंगल डिक्लेयर करने का अधिकार दिया। इस एक्ट ने ट्राइबल लोगों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखा। राजा परहट के नेतृत्व में हो और मुंडा ट्राइब ने ब्रिटिश रूलर्स, लोकल मनी लेंडर्स और जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई, खासकर सिंघभूम के ऑक्यूपेशन के विरोध। नतीजे के रूप में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 पास हुआ, जिसने आदिवासी के जंगल जमीन और उत्पाद पर कई बंधन लगा दिए। इस एक्ट ने आदिवासी समुदाय के ट्रेडिशनल कॉमन प्रॉपर्टी को सरकार प्रॉपर्टी बना दिया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाज ने ब्रिटिश सरकार और उनके लोकल एजेंट, खास तौर पर मनी लेंडर के खिलाफ उठी। मुंडा मूवमेंट को उगुलन के नाम से जाना जाता है, जो एक धार्मिक आंदोलन था, साथ ही एग्रीरियन और पॉलिटिकल इशू से जुड़ा था। कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग की अगवानी बुद्धू भगत ने छोटा नागपुर में ब्रिटिश रूल के विस्तार के खिलाफ की थी, जब उनकी जमीनों को सिख और मुस्लिम किसानों को ट्रांसफर किया जा रहा था। यह आंदोलन 1831-32 के बीच चला। यह आंदोलन ज्यादातर रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभू के पश्चिमी हिस्सों को कवर करता था। विशाल फौजी ऑपरेशन के बाद ये रिवोल्ट दबाया गया। इस रिवोल्ट के परिणाम स्वरूप एक नया प्रोविजन साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। अब बात करते हैं भूमिज रिवोल्ट। भूमिज रिवोल्ट की अगुवाई गंगा नारायण ने सिंहभूम और बीरभूम में 1832-33 के बीच की। इस आंदोलन का कारण था कि ब्रिटिशों द्वारा जमीन रेवेन्यू का बदलना और ट्राइबल की एक्सप्लोटेशन, जिसमें किंग, बीरभूम, मुंसिफ, इंस्पेक्टर और जमींदार शामिल थे। गंगा नारायण सिंह ने इस आंदोलन की अच्छी अगुवाई की, लेकिन उन्हें 7 फरवरी 1833 को ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा एक लड़ाई में मारा गया। संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट की अगुवाई सिंधु और कान्हू ने 1855-56 में की, जो जमींदार और मनी लेंडर के अत्याचारों के खिलाफ थी। राजमहल हिल के संथाल ने रेवेन्यू ऑफिसियल, पुलिस, मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स के दबाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1854 में कंपनी के शासन को खत्म करने का घोषणा की और अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर किया। रिजल्ट ये हुआ कि 1856 तक इस हालत को सिर्फ विस्तृत मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कंट्रोल किया जा सका।
सिंधु ने 1855 में अपनी जान दी, जबकि कान्हू को 1866 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के नतीजे में ब्रिटिश ने संथाल परगना बनाया और अस्क्ले एडन को इसके पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। अब बात करते हैं लोथा रिवोल्ट। लोथा रिवोल्ट की शुरुआत 1856 में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने जेलों में ब्रास वेसल को विड्रॉ करने और इर्थन वेसल का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला किया। आरा और मुजफ्फरपुर जेलों के प्रिजनर ने इस आंदोलन का आगाज किया। ये फैसला उनके धार्मिक भावनाओं को छू गया, क्योंकि ब्रास का उनकी धार्मिक संवेदनाओं से गहरा संबंध था। जेल के बाहर से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जेलों पर हमला किया। रिजल्ट ये हुआ, इस आंदोलन के नतीजे में ब्रिटिश सरकार ने अपने आदेश को वापस लिया और फिर से ब्रास वेसल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। सरदारी रिवोल्ट। सरदारी रिवोल्ट सरदारी एक एग्रियन मूवमेंट था जो 1858 में शुरू हुआ। ये आंदोलन क्रिश्चियन ट्राइबल पीजेंट ने शुरू किया था, जो ऑप्रेसिव लैंड लॉर्ड के खिलाफ था, जिससे बेगारी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई। इस मूवमेंट का मेन मकसद लैंड रिफॉर्म था, जिससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सुधार किए जा सके। सफाहर, जिसे खेवर मूवमेंट भी कहा जाता है, की शुरुआत भागीरथ मांझी ने 1868 में की। ये आंदोलन संथाल द्वारा चलाए गए और इसने एक ही भगवान के कॉन्सेप्ट को प्रचारित किया। भागीरथ ने अपने आप को संथाल का राजा घोषित किया और एक अलग संथाल राज की मांग की। इस मूवमेंट का मकसद सोशल रिफॉर्म था, जैसे कि इविल बोंगस की बाली को रोकना। ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट की शुरुआत 1814 में ओरियन जाति ने की। यह आंदोलन बिरसा मूवमेंट का एक विस्तार माना जाता है। जत्रा भगत इस मूवमेंट के मुख्य नेता थे और उनके अलावा बलराम भगत, भीखू भगत और शिबू भगत जैसे अन्य नेता भी शामिल थे। इस मूवमेंट की विशेषता यह है कि इसने अपनी आइडियोलॉजी में हिंदू प्रैक्टिस का विशाल समावेश किया। ट्राइबल लीडर ने इस आंदोलन के माध्यम से विदेशी शोषण, जमींदार और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लड़ाई की। ये मूवमेंट ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ भी था। इस आंदोलन में अहिंसा को एक शास्त्र के रूप में अपनाया गया। वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट एक इस्लामिक आंदोलन था, जो इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश करता था और उन सभी नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को हटाने की कोशिश करता था। इस आंदोलन की स्थापना सैयद अहमद ने रायबरेली में 1829 में की थी। इसका उद्देश्य दरउ इस्लाम का स्थापना भारत में करना था। जब सैयद अहमद पहली बार पटना आए, तो उन्होंने मोहम्मद हुसैन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1821 में उन्होंने मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, फरहत हुसैन और इनायत अली को खलीफा नियुक्त किया। ये आंदोलन अब्दुल वहाब के शिक्षकों के प्रेरित था, जो सऊदी अरेबिया से थे, और शाह वली उल्लाह के विचारों से, जो दिल्ली के थे। इस आंदोलन को 1870 में ब्रिटिशों ने थोड़ा दबाया गया, लेकिन ये 1890s तक कभी कभी चलता रहा। हाजी सरयातुल्लाह इस मूवमेंट के मुख्य नेता थे और पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था 1828 से लेकर 1868 तक। ये आंदोलन पटना में 1863 में खत्म हो गया, जब ब्रिटिशों ने इसके कई नेताओं को कैद कर लिया। इससे आंदोलन के लिए फंड खत्म हो गए। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। बिहार ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन में रोहिणी यानी कि झारखंड और दानापुर के ब्रिटिश रेजिमेंट में काम कर रहे सिपाही भी शामिल थे। वीर कुमार सिंह और अमर सिंह जैसे वीर योद्धाओं ने इस आंदोलन में भारी योगदान दिया और ब्रिटिशों के खिलाफ रिवोल्ट फैलाया। तिरहट से वारिस अली भी इस आंदोलन के एक महान वीर थे, जिसे हाल में ही शहीद घोषित किया गया है। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत बिहार में। रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत
12 जून 1857 को रोहिणी गांव, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में है, शिफ्ट हुई। यहाँ के भागी सिपाहियों ने मेजर नॉर्मन लेसी और एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। इसके बाद 3 गुनहगार सिपाहियों को फांसी दी गई, जिससे कि विरोध का प्रारंभिक चरण फैल हो गया। पटना शहर में वारिस अली और अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी ने भी उनकी स्पिरिट को टूटने नहीं दिया। फिर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को 200 ऊर्जा आर्म रिवॉल्यूशनरी ने चौक तक का क्षेत्र संभाला और विरोध की फूले बजाई। शुरुआत में भागियों को कुछ सफलता मिली और मेजर लोयल को मार दिया गया, लेकिन कमिश्नर टेलर ने कठोर तरीके से इस विरोध को दबाने के शुरू किया। रिवॉल्यूशनरी को गलत तौर पर बहुल्लास के साथ मिलने का इल्जाम लगाया गया, जिससे मोहम्मद हुसैन अहमदुल्ला और बजी हक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अली समेत 16 भागियों को फांसी दी गई और इस तरह इस विरोध का अंत हो गया। 26 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के 3 प्लेटून ने फिर अली की फांसी की खबर सुनकर ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठा लिए और आज़ादी का ऐलान किया। लेकिन उन भागियों को अपनी सीमाओं के का पता था, इसलिए उन्होंने कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, को अपना नेता चुना, जो भागियों के नेतृत्व देने में सक्षम थे। ये विरोध सेंट्रल बिहार से नॉर्थ बिहार तक पहुंच गया। उस दिन मुजफ्फरपुर में नाराज भागी सिपाहियों ने मेजर होम्स और नए ऑफिसर को मार दिया। 25 जुलाई को दानापुर कैंट के 3 रेजिमेंट्स के सिपाहियों ने बगावत की और कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, के नेतृत्व को स्वीकार किया। इससे विरोध की प्रकृति में बदलाव आया, जहां फ्यूडल और मिलिट्री तत्व एक दूसरे से मिल गए। 30 जुलाई को सरकार ने पटना डिवीजन में मार्शल लॉ का ऐलान किया। इस बीच भागियों ने गया पहुंचकर 400 प्रिजनर को आज़ाद कर दिया और प्रो इंग्लिश टिकारी राज पर भी हमला किया। अगस्त में भागलपुर में भी एक विरोध शुरू हुआ। पलामू में बिपलाव शाही और पीताम्बर शाही के नेतृत्व में भागियों ने विरोध की कोशिश की। ये भागी सिपाही रोहताज सासाराम क्षेत्र के जमींदारों के साथ मिलकर विरोध को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इन सभी विरोध को जल्द ही दबाया गया। सेंट्रल बिहार में कुंवर सिंह विरोध को नेतृत्व दे रहे थे, जबकि साउथ बिहार में ठाकुर विश्वनाथ, सहदेव और पांडे गणपत राय भी इसमें शामिल थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में हजारीबाग और रामगढ़ के सिपाहियों ने 30 जुलाई 1857 को सदो सिंह के नेतृत्व में विरोध शुरू किया, जहां रांची इसका मुख्य केंद्र बना। लेकिन ज्यादातर जमींदारों की प्रो ब्रिटिश भावनाओं के कारण इन भागियों को जनता का समर्थन नहीं मिला, जिससे ये विरोध आसानी से कैप्टन मिडलटन के नेतृत्व में दबा दिया गया। सिंहभूम में कोल्स ने राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में विरोध किया और जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना को हराने में सफल रहे। अंत में कैप्टन डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद से इस विरोध को दबाया दिया। बिहार में 1857 का विरोध किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने बिहार के लगभग हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्शाई। लेकिन कुंवर सिंह के नेतृत्व वाले विरोध को छोड़कर अन्य भागियों को कॉलोनियल शक्ति के खिलाफ ज्यादा समय तक प्रतिकार नहीं कर पाए। फिर भी इस विरोध की महत्व इसमें है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब देश के एक बड़े हिस्से ने एक सामान्य शत्रु के खिलाफ एकता दिखाई। अब बात करते हैं कुंवर सिंह के रोल के बारे में। कुंवर सिंह का नाम 1857 के विरोध के बारे में बात करते वक्त सबसे पहले आता है। ये 80 साल के बूढ़े आदमी ने बिहार में इस विरोध का प्रतीक बन गए। उन्हें जॉन ऑफ आर्क और रानी लक्ष्मीबाई के बराबर समझा जा सकता है, क्योंकि वे जिंदा रहते हुए भी एक लेजेंड बन गए। वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं। कुंवर सिंह उज्जैनियत क्लैन के परमार राजपूत से थे।
जो कि अब भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का हिस्सा है। उनके पिता बाबू साहेबजादा सिंह भारत के प्रसिद्ध राजा किंग भोज के वंशज थे, जिससे उन्हें विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने की भावना मिली। उनका प्रभाव बिहार के साथ साथ गोरखपुर, आजमगढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी था। उन्हें उनके भाई बाबू अमर सिंह और कमांडर इन चीफ हरे कृष्ण ने मदद दी। ब्रिटिश के द्वारा संपत्ति छीनने से उनमें विरोध की भावना जग उठी थी, इसलिए वो 1857 के विरोध से पहले ही तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपने किला की मरम्मत कराई, हथियारों और एम्यूनिशन का उत्पादन करने के लिए एक फैक्ट्री बनाई, 10,000 हथियारबंद सिपाही का एक चुनिंदा समूह तैयार किया। बिहार का अधिकांश भाग्यों ने उन्हें अपना पारिवारिक नेता बना माना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट ने बगावत की और अगले दिन उन्होंने सोन नदी पार करके शाहबाद में उनकी अगुवाई में आने की कोशिश की। उनके मुख्य सहयोगी थे उनके भाई अमर सिंह, भतीजे हरकिशन सिंह, रात भजन सिंह, निशान सिंह और शाहबाद के 4 जमींदार। अब बात करते हैं विरोध के घटनाएं के बारे में। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा शहर पर कब्जा कर लिया और खुद को शहर का शासक घोषित किया। ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन देनवर को दानापुर से आरा भेजा, लेकिन कुंवर सिंह ने उन्हें हराकर उनका घेरा बंद किया। मेजर विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन वे अपने पक्ष में स्थिति को देखते हुए गुरिल्ला युद्ध अपनाने लगे और बिहार छोड़ दिए। कुंवर सिंह ने किसी विशेष क्षेत्र में लड़ने की जगह मुजफ्फरपुर, रेवा, बांदा, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थल पर घूमने का फैसला किया, जो उनके विरोध को लंबे समय तक चलाने की वजह बनी। उन्होंने नाना साहब और तांतिया तोपे के साथ कानपुर की लड़ाई में भाग लिया और कानपुर को भी फिर से जीता। उन्होंने विरोध के अन्य नेताओं से मुलाकात की और कोलोनल मिलमेन और डेंस को हराकर आजमगढ़ पर कब्जा किया। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड लुगार्ड को कुंवर सिंह को पकड़ने भेजा, लेकिन उन्होंने इस बारे में जान ली और गाजीपुर चले गए। तब लुगार्ड ने उनका पीछा करने के लिए डोगलास को भेजा और उनकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम रखा। 17 अप्रैल 1858 को डोगलास ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया, जिसमें उनका बायां हाथ कट गया, जिससे उन्होंने गंगा में समर्पण किया। 22 अप्रैल 1858 को वे जगदीशपुर गए, जहां ले ग्रांट उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि घायल होने के बावजूद कुंवर सिंह ने उन्हें भी हराया। 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जीतने के 3 दिन बाद वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया। अब बात करते हैं आउटकम्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश सप्रेशन। 1857 का विरोध ब्रिटिशों द्वारा कठोर रूप से दबाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इस विरोध के बाद ब्रिटिशों ने अपने प्रशासन में कुछ सुधार लाए। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। इस कानून ने बिहार और बंगाल में किरायेदारों के अधिकारों को व्यक्त किया। अब बात करते हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन बिहार। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ हमले द्वारा हुई थी। ये एक मजबूत संगठन बन गया था जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। 1912 में कांग्रेस का 27th सेशन बंकीपुर में हुआ, जिसमें आर एन मधोलकर ने अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में बिहार के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई। 1922 में कांग्रेस का 37th सेशन गया में हुआ, जिसमें चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष किया, लेकिन उन्होंने गया सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, जो काउंसिल इंट्री के खिलाफ उनके विचार की वजह से थे। 1916 में 32 कांग्रेस सेशन
लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन में पटना यूनिवर्सिटी बिल को पास किया गया और राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के इंडिगो प्लांटर्स के लिए दो अन्य प्रस्ताव आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार। बिहार में प्रारंभिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1899 में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापन से हुई थी। ये एसोसिएशन दरभंगा में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख व्यक्ति अफक खान जो कि चेयरमैन थे, सूर्यदेव नारायण शर्मा जो कि फाउंडर थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो कि सेक्रेटरी थे। ये एसोसिएशन इस क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा और 1920 तक सक्रिय रहा। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया जो युवाओं को प्रेरित किया। इस दिन ने स्वदेशी आंदोलन के विचारों से युवाओं को प्रेरणा दी। 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुंगेर आए जिससे बिहार में राष्ट्रवाद और अधिक बढ़ गया। 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई जो युवाओं को एक साथ लाने का कार्यक्रम था। 1908 में सोनपुर मेला का आयोजन हुआ जिसमें नवाब सरफराज हुसैन खान ने चेयरमैनशिप की। इसमें बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक 1908 में पटना में हुई जिसमें सैयद हसन इमाम अध्यक्ष थे। इस पहली बैठक में कांग्रेस के एनुअल सेशन के लिए 6 डेलीगेट्स चुने गए जो मद्रास में दिसंबर 1908 को होने वाले सेशन में भाग लेने वाले थे। ये थे हसन इमाम, बसंती चंद्र, दीप नारायण सिंह, सैयद नाज मूल होटा, परमेश्वरलाल, सच्चिदानंदा सिन्हा। अब बात करते हैं पीजेंट्स एंड नेशनल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1919 में ओटोमन एम्पायर टर्की पर ब्रिटिशों के द्वारा लगाए गए आधिकारिक नियमों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये आंदोलन भारत में अली भाइयों द्वारा शुरू किया गया। खिलाफत कमेटी में मौलाना सजत ने गया में खिलाफत कमेटी का गठन किया। 16 फरवरी 1909 को पटना में एक मीटिंग हुई जिसमें हुसैन इमाम की अध्यक्षता में फैसला किया गया कि कैलिफ को सही तरीके से संभालने के लिए पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए। 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों ने एक राज्य व्यापक हड़ताल की आवाज़ दी। अप्रैल 1920 में मौलाना शौकत अली पटना आए। मेजर केंद्र की बात करें, पटना, दरभंगा, गया, बिहार शरीफ, छपरा, मुंगेर और भागलपुर इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र में शामिल थे। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 30 नवंबर 1919 को अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में एक मास मीटिंग हुई जिससे मौलाना शाह सिद्दीकुल राशिदुल हक की अध्यक्षता में इस आंदोलन का समर्थन किया गया। खिलाफत की बैठकें सासाराम, चंपारण, फतुहा, मुजफ्फरपुर, काको और सीतामढ़ी में भी हुई। बिहार से खिलाफत मूवमेंट को समर्थन देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी और मौलाना नारुल हसन शामिल थे। 19 मार्च 1920 को दूसरा खिलाफत दिवस मनाया गया। इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में माना गया। अब बात करते हैं रौलेट एजिटेशन। रौलेट एजिटेशन 1919 में भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य रौलेट बिल के विरुद्ध करना था। बिहार सत्याग्रह सभा के सदस्यों ने रौलेट बिल के विरुद्ध पटना के टाउन हॉल में मीटिंग के आयोजन किए। ये मीटिंग फरवरी 1919 में हुई। मुजफ्फरपुर
सूरनगंज, मुंगेर, छपरा और गया जैसे स्थल पर भी इस बिल के विरुद्ध मीटिंग का आयोजन किया गया। विरोध में प्रोसेशंस का आयोजन किया गया, हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशन भी किए गए, जिससे लोगों का विरोध प्रकट हुआ। अब बात करते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग था, जिसे कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध के लिए शुरू किया। बिहार कांग्रेस का प्रादेशिक सम्मेलन अगस्त 1920 में हुआ, जिसे राजेंद्र प्रसाद के चेयरमैनशिप में हुई। इस सम्मेलन में नॉन कॉरपोरेशन के संकल्प धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा प्रस्तावित किया गया। 15 अगस्त 1920 को हिजरत कमेटी का गठन हुआ, जब कुछ मुसलमानों ने सरकार की नीतियों से नाराज होकर भारत छोड़ने के विचार किया। मुंगेर और भागलपुर में फेरी और पाउंड की सेटलमेंट के ऑक्शंस का बायकॉट किया गया। पटना में सरकारी प्रेस में स्ट्राइक हुई। पटना गया रोड पर राजेंद्र प्रसाद को प्रधान बनाकर नेशनल कॉलेज का गठन किया गया। अब बात करते हैं गांधी जी का बिहार में यात्रा। गांधी जी ने दिसंबर 1920 में बिहार का दौरा किया, जो आंदोलन को प्रभावित करने वाला था। तिलक मेमोरियल कमेटी, इस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्च लाइट ने तिलक की डेथ पर बिहार इज मॉर्निंग शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। अब बात करते हैं पुलिस स्ट्राइक और शिक्षा संस्थान। मार्च अप्रैल 1921 में पुलिस स्ट्राइक हुई, जो पटना, पूर्णिया, मुंगेर और चंपारण तक फैल गई। विद्यापीठ का गठन, गांधी जी ने 5 जनवरी 1921 को बिहार नेशनल कॉलेज और 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का स्थापना की, द मदरलैंड। 30 सितंबर 1921 को मजहर उल हक ने द मदरलैंड अखबार की शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीयन विचारधारा को प्रसारित करने के लिए था। अब बात करते हैं अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश प्रिंस का बिहार का दौरा हुआ, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय राय साहब का उपाधि वापस की। अब बात करते हैं स्वराज मूवमेंट। स्वराज मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कदम था, जो कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारों और रणनीतियों के बीच के तनाव को दिखाता है। दिसंबर 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन किया गया में हुआ, जिसे चित्तरंजन दास ने चेयरमैनशिप की। इस सम्मेलन में कांग्रेस के दो पक्ष बने, प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। प्रो चेंजर, ये पक्ष लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश की समर्थन करता था। इसकी अगवानी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने की। नो चेंजर, ये पक्ष गांधी जी के पाथ को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध था। इसमें वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी और एम ए अंसारी शामिल थे। स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल की स्थापना की। फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का एक शाखा श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन का गठन 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व जॉन साइवन ने किया। इसने भारत के राजनीतिक मंजर को प्रभावित किया। बायकॉट का निर्णय अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें साइमन कमीशन को बायकॉट करने का फैसला लिया गया। साइमन कमीशन ने 12 दिसंबर 1928 को पटना का दौरा किया और 24 दिसंबर को रांची पहुंचे। दोनों स्थानों पर इसका बायकॉट किया गया। अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था साल्ट सत्याग्रह, जो 1930 में शुरू हुआ। बिहार में इसका प्रभाव विशेष था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल्ट सत्याग्रह का आउटलाइन तैयार किया। 6 अप्रैल 1930 को साल्ट सत्याग्रह शुरू करने का दिन चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार का दौरा किया, जिससे लोगों में भावनाओं का जागृत किया गया। सत्याग्रह की शुरुआत। यह आंदोलन चंपारण और सारण जिलों से शुरू हुआ और बाद में पटना, बेतिया, हाजीपुर, दरभंगा आदि तक फैला। पटना में साल्ट सत्याग्रह का इनोग्रेट 16 अप्रैल 1930 को किया गया। आंदोलन के पहलू। खादी पर बल दिया गया, शराब के विरोध प्रचार किया गया और चौकीदारी टैक्स ने ना देने की घोषणा की गई। इस आंदोलन में महिलाओं का बड़ा योगदान देखा गया, जो हर समाज के वर्ग को सम्मिलित करता है। अब जानते हैं इनके प्रमुख नेता। स्वदेशी कमेटी। पटना में 1930 में स्वदेशी कमेटी के गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अली इमाम ने किया। सच्चिदानंदा सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम जैसे प्रमुख नेता इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। सत्याग्रह के अन्य पहलू। इस समय बीरपुर सत्याग्रह भी चल रहा था। राज बहादुर द्वारकानंद ने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर लाठीचार्ज किया गया। छपरा जेल के कैदी भी इसके विरुद्ध स्ट्राइक पर चले गए। किसानों ने चौकीदारी टैक्स ना देने का घोषणा किया। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक विशेष आंदोलन था, जिसमें सिर्फ चुनिंदा व्यक्ति सत्याग्रह करते थे। इसका गठन महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी का फैसला। गांधी जी ने डिसाइड किया कि आंदोलन में सिर्फ चुने हुए व्यक्ति ही सत्याग्रह करेंगे, जिससे सामूहिक आंदोलन से अलग एक व्यक्ति व्यवस्था बन सके। पहला व्यक्ति सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। 27 नवंबर 1940 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। उनके बाद अनुराग अनुग्रह नारायण सिन्हा ने भी सत्याग्रह किया। गया से गौरी शंकर सिंह ने भी सत्याग्रह किए। शिलांग से श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। अब बात करते हैं किसान सभा इन बिहार के बारे में। किसान सभा किसानों की समस्याओं और अधिकारों को प्रस्तावित करने के लिए बनाई गई एक संस्थान थी, जो कि बिहार में किसानों की हक की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती थी। जानते हैं शुरुआत कैसे हुई। स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी में किसान सभा की स्थापना की। इसके अलावा मुंगेर, शाहबाद, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर जैसे संस्थाओं पर भी किसानों के आंदोलन शुरू हुए। किसान सभा की घटना। जगन्नाथ पाठक ने 27 अक्टूबर 1920 को हिलसा में किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें शाह गफूर ने चेयरमैनशिप की। मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने किया। स्वामी सहज आनंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य जमींदारी के द्वारा किसानों के अधिकारों पर होने वाले आक्रमण के खिलाफ उनकी शिकायतों को संगठित करना था। 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। प्रमुख नेता थे। किसान आंदोलन को स्वामी सहज आनंद सरस्वती ने प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया। उनके साथ पंडित यमुना करजी, राहुल संक्रियानंद,
संस्कृत ज्ञान और अन्य अनुयुक्ति भी थे। पंडित यमुना करजी और राहुल संस्कृत ज्ञान ने 1940 में बिहार से एक हिंदी साप्ताहिक हुंकर का प्रकाशन शुरू किया। हुंकर बाद में किसान आंदोलन और कृषि आंदोलन का मुख पात्र बन गया, जिससे किसानों की आवाज को सामने लाया गया। अब बात करते हैं लेबर मूवमेंट इन बिहार। 1930 के दशक के अंत में बिहार में लेबर मूवमेंट ने अपने प्रभाव को दिखाना शुरू किया, जब कार्यकर्ताओं ने अपनी अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1937 से 1938 में बिहार के कई फैक्ट्रीज में स्ट्राइक का आयोजन किया गया। प्रमुख स्थल थे रोहतास इंडस्ट्री, गया कॉटन मिल, टाटा नगर फाउंड्री कंपनी, जलपा सीमेंट वर्क। इन स्ट्राइक के उद्देश्य मजदूरों के समस्याओं को उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। बिहार ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, जिसका प्रथम साप्ताहिक सम्मेलन 10 जून 1944 को गिरिदीह में आयोजित किया गया। इस यूनियन का मकसद मजदूरों की एकता को बढ़ावा देना और उनके समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना था। लेबर कॉन्फ्रेंस। बिहार में कई लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में हुई। ये कॉन्फ्रेंस मजदूरों के अधिकार और उनकी स्थिति पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच थे। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन बिहार। बिहार में 20वीं सदी के प्रथम भाग में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के अलग अलग आंदोलन का प्रबंध हुआ, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1908 में खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज डोगलास किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक बॉम्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कार्यवाही असफल रही। सचिंद्र नाथ संजाल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये समिति राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थी। बंकिम चंद्र मित्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किया। उन्हें बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में गिरफ्तार किया गया। 1927 में मनिंद्र नारायण रॉय के नेतृत्व में पटना युवक संघा की स्थापना हुई। ये संघा युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने के लिए बनाए गए। बिहार युवक संघ। 1928 में मोतिहारी में बिहार युवक संघ का गठन हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं को एकाधित करना और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी देना था। 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कंत सिंह के द्वारा पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना हुई। इस संघ ने युवाओं को राष्ट्रीय जागरूकता के लिए प्रेरित किया। युवक एक मासिक पत्र पटना से शुरू की गई, जो युवाओं के विचार और समस्याओं को उठाने का मंच बना। पटना में अनुशीलन कमेटी का एक शाखा स्थापित किया गया, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में कार्यरत रही। अब बात करते हैं बिहार इस सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा सारन सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का उद्देश्य समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाना और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना था। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक गठन किया गया। आचार्य नरेंद्र देव को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। जयप्रकाश नारायण को जनरल सेक्रेटरी की पदवी दी गई। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार। 31 जुलाई 1942 बिहार कांग्रेस कमेटी लेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आउटलाइन तैयार किया। 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 9 अगस्त 1942 को
कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए और समाचार पत्रों को भी बंद किया गया। 12 अगस्त 1942 में पटना में पूरा हड़ताल देखा गया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली ने उस समय के शासक गतिविधियों का नियंत्रण किया जब सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हो गए। 1943 में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया। मधुबनी जिले में एक अलग स्वतंत्र काउंसिल का गठन किया जिसका नेतृत्व सूरज नारायण सिंह ने किया। मेन उद्देश्य सरकारी व्यवस्था को प्रभावित करना, सेना की ट्रेनिंग देना और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए कैंप स्थापित करना। सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942। एक प्रोसेशन जो राष्ट्रीय झंडा लहराने के लिए पटना के सचिवालय के पूर्वी गेट पर पहुंची, पर पुलिस ने बिना किसी कारण गोली चलाई। 7 स्टूडेंट की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। शहीद स्टूडेंट उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पडो चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह थे। इस घटना के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगाया गया और कई प्रतिकारक कदम उठाए गए। 15 अगस्त 1947, जयराम दास दौलतराम बिहार के नए गवर्नर ने पटना सेक्रेटरियट फायरिंग के शहीदों की याद में मार्टियर्स मेमोरियल का निर्माण किया। अब बात करते हैं इलेक्शंस इन बिहार एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। 1937 इलेक्शन, इलेक्शन जोन 152 इलेक्शन जोन में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 107 सीट पर चुनाव लड़ा और 98 सीट जीते। 8 कैंडिडेट जीत गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कांग्रेस ने दोनों गृहों में बहुमत प्राप्त की। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, श्री कृष्ण सिन्हा ने मेजोरिटी होने के बावजूद सरकार बनाने से इनकार किया। मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे, ने सरकार बनाई और वे बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। 20 जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस कैबिनेट का गठन किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पीकर श्री राम दयालु सिंह और डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर अब्दुल बारी बने। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और जयराम दास दौलतराम को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया।